एक अच्छे लीडर का क्वालिटी होता है कि उसकी टीम में जैसे भी लोग हों, वो ऑर्डिनरी लोग क्यों ना हो, उनसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट उनसे निकाल सके या फिर उनसे अचीव करवा सके, ये एक अच्छे लीडर का क्वालिटी होता है। अगर आप एक टीम को मैनेज कर रहे हैं और आप रिमोटली मैनेज कर रहे हैं, आप दूर हैं, पास पे एक छत के नीचे नहीं है, उनसे इंटरेक्शन आपका फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, तो रिमोटली मैनेज करने में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। स्टिल आप दूर में रह के ऐसा स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं कि आपका टीम जो है आपसे काफ़ी मोटिवेट हो और आप उनसे एफिशिएंट वे में काम करवा सकते हैं। सो क्या क्या स्टेप्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है डेली चेक। डेली चेक करना होता है कैसे, आपको पहला चीज़ है अपने टीम के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हर दिन एक फ़ोन कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस शेड्यूल करके आप उनसे डे टू डे हर दिन आप प्लानिंग या फिर एक्सपेक्टेशन डिस्कस कर सकते हैं, क्या करना है, आज का प्लान क्या है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। इस पे बस आपको ये एंश्योर करना है कि वो आपको सुन रहे हैं, क्लियरली सुन रहे हैं और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड होता है यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। उस पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अपने टीम के साथ, उस पर इंटरेक्शन करके टास्क जो है असाइन कर सकते हैं और जो टास्क का प्रोग्रेस भी आप उसी से मॉनिटर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि आप उनको अब उनके गोल के ऊपर क्लैरिटी दें। बहुत लोग क्या होता है, पहले डे टू डे लाइफ में ऐसे ही काम कर रहे थे, सडनली कुछ ऐसा कंडीशन आया, सिचुएशन आया कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो उस एनवायरमेंट के बारे में उनका क्लैरिटी नहीं रहता और बहुत सारे एम्बिगिटी कन्फ्यूजन हो जाता है। हो सकता है कि आपका ये पहले वाला असाइनमेंट ही हो या फिर नया सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो, उस पर आपको पहले से ही इन एडवांस क्लैरिटी रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ताकि कुछ भी कन्फ्यूजन या एम्बिगिटी फ्यूचर में ना हो। उससे उनका जो सेटल डाउन होना उस सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, आपको फोकस रहना है आउटकम के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर नहीं। बहुत लोग क्या एक मिस्टेक करते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट करने लगते हैं डे टू डे लाइफ में, उनके डेप्थ में उनके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं, विजिट्स को माइक्रो लेवल में डेप्थ में जाके ट्रैक करते हैं, उससे उनका एफिशिएंसी डिग्रेड कर सकता है। उनके आउटकम को ट्रैक करना है, उनके एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करना है। जब तक वो काम कर रहे हैं, टारगेट अचीव कर रहे हैं या फिर आपका गोल अचीव हो पा रहा है, आपको प्रॉपरली रिपोर्टिंग हो रहा है, प्रॉपरली आप उनसे जुड़ पा रहे हैं, तब तक माइक्रो मैनेजमेंट का कोई ज़रूरत होता नहीं है। सो टीम के ऊपर ट्रस्ट करना है और वो आपको आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो जरूर देंगे। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, ये गोल आपका कभी हो नहीं पाएगा, उसमें ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे। नेक्स्ट इज क्रिएट अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको गोल अचीव करने के लिए या फिर टीम को मैनेज करने के लिए वो वाइटल रोल प्ले करता है। टारगेट्स, प्रेशर, ये सब सभी को रहता है, लेकिन बहुत लोग क्या भूल करते हैं, एक एग्रेसिव मेल भेज देना, उनका ट्रैक कर लेना, उनके ऊपर रिव्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देना, ये मिस्टेक करके वो क्या होता है, उनका जो ट्रस्ट भी खो देते हैं और उनका गोल भी अचीव नहीं हो पाता है। कम्युनिकेशन प्रॉपर होता नहीं, उससे आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन रिमोटली जो कम्युनिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये एक बैरियर है जिससे आपका जो पर्पस सर्व नहीं होता है। आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाना है कि एक बैलेंस भी मेंटेन हो सके, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो और आपकी टीम भी मोटिवेटेड रहे, उससे आपका जो टीम है और आप दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन से काम कर सकते हैं और कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होता है और रिमोटली जो टीम मैनेजमेंट होता है बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत बढ़िया होता है, उसका इम्पोर्टेंस है। होप ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अच्छे से अपना टीम रिमोटली मैनेज कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।